हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय साई राम। कैसे हो आप लोग? आप लोग सोच रहे होंगे मैं मॉर्निंग में कहाँ रेडी हो रही हूँ। सो मैं आपको बता दूँ, आज मम्मी ने मुझे जल्दी उठा दिया था क्योंकि मुझे जाना था किराना शॉप किराना लेने के लिए, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। सो देखिए मुझे, और मैं अभी जो आपको सनकोट दिखाऊंगी वह मैंने स्टिच किया हुआ है। इसका वीडियो तो मैंने शूट नहीं किया था, काफ़ी टाइम पहले मैंने स्टिच किया हुआ था, तो जस्ट मैं वही आपको दिखा रही हूँ। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ प्रॉपर पूरी विथ सारी सेफ्टी के साथ। तो चलिए हम चलते हैं किराना शॉप। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में वहाँ से आने के बाद। तो अभी मैं दीदी की गाड़ी लेके जाने वाली हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी अंदर रखी हुई, दीदी की गाड़ी बाहर है, तो मैं बस वही गाड़ी लेके जा रही हूँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं किराना शॉप जा रही हूँ किराना लेने घर का, तो वैसे हम लोग मंथली लेकर आते हैं। सो वही किराना लेने के लिए गई थी जस्ट अभी। आज मॉर्निंग से मैं उठी हुई थी तो मम्मी ने मुझे जल्दी उठा दिया था। तो आ गए हम लोग किराना शॉप से, फ्रेश व्रेश हो गई हूँ अभी मैं नहा धो के। हम लोग जैसे बाहर जाते हैं ना तो सबसे पहले आके हम लोग नहाते हैं, और हमने जो किराना लेकर आया है वो भी हमने सैनिटाइज़ करने के लिए मतलब रखा हुआ है, सैनिटाइज़ करके रखा हुआ है। वो 24 घंटे तक वैसे ही रहेगा, फिर हम उसे यूज़ करेंगे। तो अभी वो बाहर ही रखा हुआ है चेयर के ऊपर। तो अभी हम लोग जब जा रहे थे तो इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या, और हम लोग जो शॉप से किराना लेकर आते हैं एक्चुअली वो शॉप बंद थी, पता नहीं क्या हो गया। तो हमको कॉल करी थी तो कॉल भी नहीं लगा था, हमको दूसरे किराना शॉप से लेकर आना पड़ा। तो अब इस तरीके से हम लोग को पूरा घूमना पड़ता था, घूमना भी नहीं पड़ा मतलब हमारी किराना शॉप बंद थी तो हमको यहाँ पे लेकर आना पड़ा, यहाँ से लेकर आना पड़ा। तो अब मैं नहा के तो गई नहीं थी, वैसे आके ही नहाया मैंने, लेकिन नहा के तो जाती नहीं, आके ही नहाती हूँ। तो मैं ब्रश नहीं करी थी, तो अभी जैसे फ्रेश व्रेश हो गई हूँ, अभी ब्रश व्रश करके हो गया है मेरा। तो अब मुझे पता है ब्रश करने के बाद ना बहुत भूख लगती है, मतलब जैसे मैंने ब्रश किया वैसे मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो चलती हूँ मैं अभी नाश्ता बनाने के लिए, बताती हूँ मैं क्या नाश्ता बना रही हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। आपने देखा कि मैंने क्या नाश्ता बनाया था, मतलब वो बहुत झटपट झटपट वाला नाश्ता था। झटपट मतलब एक्चुअली वो मतलब था रोटी और चावल बचा हुआ था, तो उसका मैंने फटाक से नाश्ता बना लिया। और इसका जो वीडियो है मैं आपको शेयर करूँगी कि कैसे बना था, मतलब कैसे बनाते हैं ये नाश्ता। तो मैंने फटाक से उसे बना लिया था, और मैंने बताया कि मेरे को ना ब्रश करने के बाद बहुत जम के भूख लग जाती है, तो मैंने फिर वही बना लिया था जो था, कुछ बनाने के लिए उतना ये नहीं था, तो फिर मैंने वही बना लिया था चावल और रोटी का चूड़ा। तो आप लोग भी ट्राई करना, उसको बहुत अच्छा है, और मतलब मेरा तो बहुत फेवरेट है। मुझे अपनी नाश्ता मिले ना मिले, मुझे रोज़ अगर वो भी देंगे खाने के लिए तो मैं खा लूँगी, इतना फेवरेट है मेरा। तो और इसका ना मतलब टेस्ट ही बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो अब मैं थक गई थी थोड़ा चढ़ के, एक्चुअली मैं नीचे बात नहीं कर सकती इतना, तो इसलिए मैं भाग भाग के ऊपर आ जाती हूँ बात करने के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा थक गई थी। तो ऐसा था मेरा दिन की शुरुआत। खाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे खाना चाहिए ही चाहिए। तो भी आगे और क्या क्या करती हूँ तो देखिएगा वो। आज का तो वैसे मेरा ऐसा कुछ मूड नहीं था ब्लॉग का, बट मैं सुबह गई थी किराना लेने के लिए, तो सोचा कि बना लेती हूँ, बहुत दिन के बाद बाहर निकली हूँ, तो सोचा ब्लॉग एक बनता है तो बन ही जाए, फिर क्या बोलते हैं है ना, आप लोग को भी देखने मिल जाता है फिर। तो ऐसा था। तो अभी मैं देखती हूँ आगे क्या करती हूँ, मेरे वैसे थोड़े बहुत काम बचे हुए हैं तो मैं कर लेती हूँ। वैसे मेरे नाम पर झाड़ू पोछा लिखा हुआ है तो वो मैं कर लेती हूँ, और उसके बाद थोड़े और काम है तो वो करती हूँ। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में।
ठीक है, तब तक के लिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं वापस आ गई मेरे काम करके। अब थोड़ा टाइम मुझे मिला था तो सोची मैं कि आज वापस थोड़ा रील शूट कर लूँ, तो मैं वापस ऊपर भागते हुए आ गई। मैं आपको बताऊँ उस दिन क्या हुआ था, जो मैं आपको बताई मेरा मूड ऑफ हो गया था, मैंने वीडियो शूट किया था। तो मैंने क्या क्या किया था, ये जो मेरा मोबाइल था ना, तो उसका जो ये कॉर्ड होता है, मैंने बताया था कि मेरे पास गोरिल्ला स्टिक तो नहीं है, तो मैं ये सेल्फी स्टिक यूज़ करती हूँ अपना। तो मेरा ये जो कॉर्ड था, मैंने वो ऑडियो केस में लगा दिया था। अब लगाने के बाद तो मैंने पूरी वीडियो शूट कर ली अच्छे तरीके से, लेकिन जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो पता चला कि उसमें वॉइस ही नहीं आ रहा था। मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया था, सच्ची बात बहुत दिमाग ख़राब हुआ था। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो अपन फेस टू फेस बात कर, मतलब जो अपन अभी फेस टू फेस ही हुआ एक्चुअली, तो जो भी फेस टू फेस बात करते हैं और जो अपन वॉइस ओवर करते हैं ना, ओवर वॉइस जो करते हैं वो अलग ही हो जाता है। तो इसीलिए फिर मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ। फिर मैं अभी क्या कर सकती थी ना, इतनी मेहनत करी थी तो फिर मुझे ओवर वॉइस ही करना पड़ा। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ में। तो ये मैंने सेल्फी स्टिक लिया था जब हम लोग 2 साल पहले वैष्णो देवी गए थे, तब मैंने लिया था। मुझे फ़ोटोज़ का बहुत शौक है, फ़ोटो कैप्चर करने का, वीडियोज़ लेने का बहुत शौक है, तो मैंने यह सेल्फी स्टिक लिया था। मेरा फ़ोन रेड कलर का है, ये नया आया था ओप्पो F5, तो मैंने पहले लिया था इसको जब ये नया लॉन्च हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने सेम अपना मैचिंग सेल्फी स्टिक भी लिया था, तो वह सेल्फी स्टिक मेरे अभी काम आ रहा है। वो भी मुझे याद आया कि हाँ, मेरा हाथ ऐसे फूटता नहीं था, आता नहीं था, तो फिर सेल्फी स्टिक किस दिन काम आएंगी, तो फिर मैंने सेल्फी स्टिक को यूज़ किया। तो फ्रेंड्स देखो, मैं विदाउट ग्रूम विदाउट मेकअप कैसे वीडियो शूट करती हूँ अपना रील्स का, तो देखना मुझे हंसी आती है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, आपने अगर मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ उसे फॉलो कर लीजिए। आईडी जो है मेरी imir8 है, और इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वो अपने नहीं होते, सो जो छोड़ के जा रहे हैं उनको जाने दे। आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बनाती मैं वीडियो, मजाक में अच्छे बन जाते हैं। तो बस जो छोड़ के जाते हैं, देखो वो अपने नहीं होते, सो जो छोड़ के जा रहे हैं उनको जाने दे। कैसा बना? एक्चुअली आपको लग रहा है कि मेरा सर पे नर है, मैंने बताया था कि मेरे को ना थोड़ा हेडेक है, रुक जा रही है, दूँगी स्टॉप कर दी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि आपको लग रहा है कि मेरा सर पेन हो रहा होगा करके, एक्चुअली मेरा सर ना पेन हो रहा है, मतलब मैंने बताया था कि मुझे थोड़ा माइग्रेन प्रॉब्लम है। तो मेरा जो माइग्रेन प्रॉब्लम स्टार्ट होता है ना, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल भी। बट फिर भी मैं उसे ना, मतलब मैंने ले नहीं रही हूँ कि यार मेरा सर पेन हो रहा है, अगर सर पेन हो रहा है करके लगूँगी तो मेरा और सर पेन होने लग जाएगा, इसलिए मैं ऐसे डाइवर्ट कर रही हूँ, अपने आप को बिजी रख रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, मतलब पेन हो रहा है। एक तो आज मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी ना, तो मेरी प्रॉब्लम है जल्दी उठ जाती हूँ, बिना टाइम के पहले उठ जाऊँ ना, मेरा टाइम है 10:30 बजे तक मैं उठ ही जाती हूँ, और जॉब में जाना रहता है तो 9:30 बजे उठ जाती हूँ मैं प्रॉपर। तो अभी कैसे थोड़ा लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ा सो जाती हूँ थोड़ा सा, तो वही, तो मैं ना मतलब आज जल्दी उठ गई थी तो ना सर पकड़ लेता है, मेरा सर पेन होने लग जाता है। और अभी मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ तो किसी को लगेगा नहीं, आपको भी देख के नहीं लगेगा कि मेरा सच में सर पेन हो रहा होगा करके, बट हो रहा है सर पेन, बट मैं ध्यान नहीं दे रही, मतलब ये नहीं, बट मैं ना इन्हें ऐसे ले नहीं रही हूँ कि मेरा सर पेन होने वाला, तो सच में ना पेन होने लग जाता है। सो देखा आपने मैं कैसे अपनी वीडियो शूट करती हूँ, और एक दो वीडियो शूट कर लेती हूँ फिर जाती हूँ खाना खाने के लिए, भूख लग गई है मेरे को, बहुत काम कर ली मैंने आज। तो मिलती हूँ मैं आपसे लंच में, और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं लंच में क्या खाने वाली हूँ। ठीक है, तो बाय। अभी हो गया मेरा लंच, आपने देखा मैंने लंच में क्या किया। एक्चुअली लंच में जो मतलब था वो, मतलब हमारे सीजी से हैं हम लोग,
तो मतलब बहुत से लोग हम लोग को सोचते हैं कि मतलब किसी को पता चलता है कि हम लोग सीजीए, तो कोई यकीन नहीं करता, सब हमको महाराष्ट्र ही समझते हैं। तो खैर वैसे हम लोग प्राउड करते हैं कि हम सीजी है, तो हम सीजी से है, छत्तीसगढ़ी है हम लोग। तो आज हम लोग ने वही खाया, खाना खाया है मम्मी मैंने और दीदी ने, क्योंकि हम लोग ने सुबह नाश्ता कर लिए थे, तो फिर मम्मी बोले कि आज यही खा लेते हैं। तो आज हमने उसे बोलते हैं बासी भात, जिसमें क्या होता है कि जो चावल होता है ना, वो चावल को पानी ठंडे पानी में मतलब भिगो के रखते हैं, ठंडे मतलब माट का जो पानी होता है उसमें डालते हैं, और नमक जितना आपको टेस्ट लगे उतना नमक डाल के, आप उसे आपने देखा कि मैंने घर पर मम्मी ने भाजी बनाया था इसलिए हम लोग ने स्पेशली बासी भात खाया है। तो जो भाजी चौलाई भाजी मम्मी ने बनाई थी, और पन्नास की सब्जी जो मेरी बहुत फेवरेट है, जिसे कटहल बोलते हैं, नॉनवेज भी उसे पेल कर देता है, इतनी मेरी फेवरेट है। अगर नॉनवेज और कटहल रखेंगे तो मैं कटहल चूज़ करूँगी, नॉनवेज नहीं। तो फेवरेट है मेरा कटहल की सब्जी, मेरे मेरे पापा को बहुत अच्छी लगती है वो कटहल की सब्जी। तो वो कटहल की सब्जी थी, और गुड़ आंबा जो मम्मी ने बनाया था वो, और कांदा जो समर में सब लोग खाते हैं। और हाँ गाइस, ये जो मतलब जो मैंने बासी भात खाया ना अभी, वो समर में खाना ही चाहिए। वैसे तो आप गांव में देखोगे ना तो यही खाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये कैसे पेट के लिए ना ठंडा रहता है, और उसका जो पानी बचता है ना उसे पीते हैं, क्योंकि उससे पेट अपना कूल रहता है, मतलब ठंडा रहता है, ऐसा बोलते हैं सब लोग। मैं तो पीती नहीं हूँ, बट मेरी मम्मी बोलती है कि वो पीना चाहिए, उससे अच्छा रहता है। तो गाइस आज का ये था मेरा वीडियो मॉर्निंग टू अब तक का, तो आज का वीडियो मैं यही स्टॉप करती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बट हाँ गाइज, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, वो बासी भात खा के देखना कि कैसा लगता है। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लो, और मेरी आने वाली क्या वीडियोज़ और नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलेंगी, तो इसलिए प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आज का ब्लॉग यहीं तक का, फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है? तब तक के लिए बाय 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 बाय। मैं तो भूल ही गई थी ये बोलना, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में बताना, और इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।